Assalamu alaikum, dear student. This is Peshawar Model School Boys 3 and I'm your math teacher, and today is your Zoom online lecture number 3. First of all, I'm going to ask you about the May task, which you have already done it in your classwork copies. I hope और जो आपको मैंने जिस तरीके से समझाया था, करवाया था, आप लोगों ने उसको उस पेज पे किया होगा, ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में इट वाज अबाउट द इवन ऑड नंबर एंड प्लस नंबर्स अप टू 10,000 प्लेस वैल्यू मैंने आपको समझाया था, आपको याद होगा. अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेस वैल्यू, ठीक है. अब प्लेस वैल्यू से मैं अगेन थोड़ा सा स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए. आपके पास है प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स. मेन टास्क आपने उस पेज पर ही करना है जो कि आपको गिवन है, ठीक है. जो होम टास्क आपको गिवन है, आपने उस पेज पे अपना होम टास्क करना है और अच्छे तरीके से करना है, विद द पेंसिल करना है, और थोड़ा सा पेंसिल आपकी थोड़ी सी डार्क हो ताकि नज़र आए, ठीक है. बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत लाइट भी नहीं. अच्छे तरीके से होमवर्क करना है, और उसके अलावा आप लोगों ने अपनी ये क्लास वर्क कॉपी पे और कुछ नहीं करना. साइड बाय साइड जब हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, देन यू हैव टू टेक योर स्टेशनरी एंड योर रफ कॉपी विद योर सेल्फ, ठीक है. आप अपने साथ अपनी ये चीज़ें रखें ताकि आप उस पर सारा काम करते रहें साथ साथ, नीट नीट. ओके, नाउ टुडे इज़ अवर लेक्चर अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स. फर्स्ट हमारे पास जब हम लोगों ने, मैंने आपको बताया भी था, समझाया था कि प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं. जब हमारे पास ये लिखा हुआ है 85,405, तो हमने इसकी प्लेस वैल्यू देना शुरू की है, ठीक है. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास 85,000 हमने यहाँ लिखा, 10,000 की प्लेस पे क्या लिखा, 8,000 की प्लेस पे लिखा 5, 100 की प्लेस पे लिखा 4, टेंस की प्लेस पे लिखा 0 एंड 5 जो है वंस की प्लेस पे है 5, ठीक है बेटा. इसी तरह हम इसका, फॉर एग्जांपल, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 7,624, ठीक है. यह हमारे पास एक नंबर है, ठीक है. अब हमने इसकी प्लेस वैल्यू भी देनी है और इसको हम इस तरीके, इस फॉर्म में भी लिखना है. यहाँ पे हमारे पास है 7,624 मैंने लिखा, फिर हम मैंने उसको प्लेस वैल्यू दिया वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड. आपको अच्छे तरीके से समझ आने के लिए मैंने इसको सेपरेट सेपरेट करके लिखा, वन ब्लॉक छोड़ के लिखा, नीट नीट लिखा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है बेटा. अब सबसे पहले है 7,000 की प्लेस पे क्या है 7, तो मैंने लिखा 7,000, ठीक है. 7,000 इज इक्वल टू 7,000, ठीक है ना, 7,000 है. अब 100 की प्लेस पे क्या है 6, 100 की प्लेस पे क्या है 6, सो आई हैव रिटन 600 इज इक्वल टू 600. टेंस की प्लेस पर क्या है 2, तो मैंने लिखा 2 टेंस इज इक्वल टू 20. अब वंस की प्लेस पर क्या है 4, तो मैंने लिखा 4, ठीक है. इसी तरह जब हमारे पास प्लेस वैल्यू, मैंने आपको पहले भी समझाया है, अब फिर समझाया है कि प्लेस वैल्यू जब हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, ये हम लोग प्लेस वैल्यू को इसलिए बताते हैं, इसलिए समझाते हैं ताकि आपको ये वर्ड्स, ये डिजिट्स पढ़ने आएँ, कि आपको पता चले. यानी फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में भी हमें इन नंबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. कभी ये रुपीज़ की शक्ल में होते हैं, कभी किसी भी नंबर्स में होते हैं, कभी किसी चीज़ में, हम लोग कहते हैं कि इतनी चीज़ें होती हैं, तो हमें ये नंबर्स को रीड आउट नहीं करेंगे, हम इनको पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे समझ आएगा, ठीक है, कि हमने किसी को कितने पैसे देने हैं, कितने लेने हैं, वट एवर. ये तो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं. अब हमारे पास है 5,342, सो आई हैव रिटन वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 5,342. नाउ 5,342 आई हैव रिटन. पहले मैंने, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन नंबर्स को प्लेस वैल्यू देनी है. प्लेस वैल्यू देंगे क्यों, इसलिए कि ताकि आपको ये पता चले कि ये 5 जो है वो 100 है, 5 जो है वो 1000 है, या 5 जो है वो 10 है. अगर आप 5 को 10 की प्लेस में लाएं तो ये तो 52 बन जाएगा, और अगर इसको आप इसकी प्लेस में लेकर आएंगे तो ये तो 4000 बन जाएगा. इसलिए हर नंबर की अपनी प्लेस वैल्यू, करेक्ट प्लेस वैल्यू होनी चाहिए, और आप जब है तो आपने उसको मेंशन करना है. ओके, अब हमने यहाँ से लिखना शुरू किया 5,342, ठीक है बेटा. अब हमारे पास है नेक्स्ट
जो है वो है 8035. अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखती हूँ 8000 ई आई जी एच टी 8035. ठीक है बेटा 8035. अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने 8035 हमने लिखा था, तो हमने लिखा 8035. ये वंस जो है ये आपके पास क्या है 100 में जो है वो आपके पास कुछ नहीं है. तो हमने यहाँ पे देखे, हम इसके ऊपर भी प्लेस वैल्यू दे सकते हैं. यहाँ पे हम लिख सकते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. ठीक है, ये कोई कंपर्शन नहीं है कि आपने प्लेस वैल्यू यहाँ करके लिखनी है, आपने प्लेस वैल्यू यहाँ करके लिखनी है. ये बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल. अगर हम यहाँ लिख दें तब भी डेट इज़ करेक्ट 8035. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह 9899. तो हम इसकी प्लेस वैल्यू देंगे पहले इसको वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड. ठीक है, तो हम इसको प्लेस वैल्यू में लिखेंगे पहले क्या है 9899. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको स्पेलिंग में लिखेंगे. क्या लिखेंगे हम इसको, इसको इन वर्ड्स में लिखेंगे. इन वर्ड्स और स्पेलिंग में लिखते हैं बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम. तो आपने हर तरीके को अच्छे तरीके से समझना है, कोई काम भी आपने अभी क्लास और कॉपी पे नहीं करना. ओके, सो यू विल राइट हियर. हम कैसे लिखेंगे 9 and IE 9000 THOUSAND 9800. What is the spelling of 8? E I G H T 800 HUNDRED 800 90 NINETY 90. कुछ बच्चे जो हैं 99, कुछ बच्चे जो हैं वो 99 में स्पेलिंग गलत कर देते हैं. अक्सर बच्चे 9 में NINE नहीं लिखते और TY लिख देते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो 9 लिखते हैं और Y लिख देते हैं, T नहीं लिखते. कुछ जो है T नहीं लिखते और Y लिखते हैं. इस तरीके से स्पेलिंग जो है करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे, आपने अच्छे तरीके से अपने स्पेलिंग लिखने हैं. सिंपल जैसे हम 1 क्लास में करते थे, 2 में NINE 9 TY 99. थाउजेंड की स्पेलिंग अच्छे तरीके से चेक कर लें, याद कर लें. एक बार याद कर लेंगे, बार बार आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है बेटा 9000 THOUSAND 1800 HUNDRED 99. समझ आ गया ना 9899. अब आपके पास है नेक्स्ट जो है हमारे पास नंबर जो है वो है 10000 तक है. कैसे पता चलेगा कि 10000 तक है, मुझे तो पता चल गया. वो इस तरह से कि जब हम लोग डिजिट्स काउंट करते हैं तो हमारे पास जब 3 डिजिट्स होते हैं तो 100 तक होता है, 4 डिजिट्स होते हैं तो 1000 तक होता है, और जब 5 डिजिट्स होते हैं ना तो कहाँ तक होता है 10000 तक. तो 10000 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 8 है. 10000 में हमारे पास क्या है 8. अच्छा, अब हम सबसे पहले वी हैव टू गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स. ठीक है, लिखेंगे हम वंस, टेंस, ठीक है, हंड्रेड, थाउजेंड, 10000. ठीक है, अब हम लोगों ने ये तो दे दिए प्लेस वैल्यू, अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे. ओके, नंबर्स हैं हमारे पास, क्या लिखेंगे हम नंबर्स, अब ये सारे नंबर्स हम लिखेंगे इसके अंदर. 8 10000 में क्या है 8
1000 में क्या है 0, ठीक है, 100 में क्या है 3, टेंस में क्या है 2, मंथ्स में क्या है 1, ठीक है। अब आप इसको दोबारा देखेंगे कि मैंने क्या लिखा, 10,000 की प्लेस पे क्या है 8,000 की प्लेस पे क्या है 0, ठीक है, 100 की प्लेस पे क्या है 3, एंड टेंस की प्लेस पे 2, एंड वंस की प्लेस पे 1, ठीक है, वंस की प्लेस पे 1, और वंस को हम यूनिट भी कहते हैं, मंथ्स को हम मंथ्स भी कहते हैं। नाउ वी विल राइट इन वर्ड्स, हम इन डिजिट्स को, इन नंबर्स को हम क्या लिखेंगे, इन वर्ड्स में लिखेंगे। देन हाउ यू विल राइट, वी विल राइट 80,000। आपको मैंने बताया था ना कि कौन कौन से नंबर हम मिला के पढ़ते हैं, दीज टू नंबर्स, ये देखें, ये टू नंबर्स हम मिलाकर पढ़ते हैं, तो ये 80 और 2 और 1, हम इसको 21 को ऐसे पढ़ते हैं, और ये 100 हमेशा अकेला रीड किया जाता है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास है, कैसे हम पढ़ेंगे 8080, सो यू विल राइट द स्पेलिंग हियर, EIGHTY 1000, THOUSAND, 300, TWENTY ONE. दोबारा इसको देखेंगे हम, 80 में हमेशा आप बच्चे जो है स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, सो अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, EIGHT 8 और Y, सिर्फ सिंपल Y साथ लगाना है। बाज़ दफ़ा बच्चे डबल TY लगाते हैं, डैट इज़ रॉन्ग, कभी बच्चे जो है वो T नहीं लगाते और Y लगा देते हैं, डैट इज़ टोटली रॉन्ग। सो 80,000, THOUSAND, 1000, 3, 100, 3 में भी बस दफ़ा बच्चे जो हैं वो इतने मिस्टेक्स स्पेलिंग्स की करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, आपका जो है स्पेलिंग मिस्टेक जब आप जहाँ जहाँ करेंगे ना, तो यू विल गेट 0, यानी कि आपके मार्क्स भी जाएंगे और आपका काम भी क्रॉस किया जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ पे स्पेलिंग्स की बहुत केयर करनी है, 321, TWENTY 20 एंड ONE 1। So these are the question 4 parts. Now I am going to write the next question, that is write the following numbers in numerals. अब आपको ये बताना है कि इनको numerals में कैसे लिखना है, numerals में कब लिखेंगे, जब भी आपके पास ऐसा question आए कि आपको इसमें question में कहा गया हो कि write the following numbers in numerals. So first you have to check it the whether the question is in the inverse form. इन वर्ड्स फॉर्म में होगा तभी यू देन यू कैन राइट इन न्यूमरल्स। जब आपके पास क्वेश्चन जो है इन वर्ड्स में होगा, स्पेलिंग्स में होगा, देन यू विल राइट द क्वेश्चन इन न्यूमरल फॉर्म। सो दिस इज द क्वेश्चन 5840। सो यू हैव टू सी कि आपको ये देखना होगा कि आपको प्लेस वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है। यहाँ से जब आपने रीड किया, पहले हमारे पास तो पहले लिखा होता था फिर हम बताते थे, अब हमारे पास लिखा हुआ है और हमने इनको न्यूमरल्स में चेंज करना है, एंड न्यूमरल्स में जब आप चेंज करेंगे तो पहले आप इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ये है 5800, तो हमारे पास यानी ये 1000 है ना, तो हमने प्लेस वैल्यू कहाँ तक देनी। अच्छा, एक बात याद रखिए, प्लेस वैल्यू वहाँ तक देनी है जहाँ तक ज़रूरत है। अब यहाँ पे 10,000 की ज़रूरत नहीं है, तो फजूल में 10,000 की प्लेस वैल्यू देख के और उसके नीचे 0 लिख के या उसके नीचे कुछ ना लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। प्लेस वैल्यू आप वहाँ तक देंगे जहाँ तक ये हमारे ज़रूरत है, यानी कि हम लोग यहाँ पे प्लेस वैल्यू देंगे 5840, ठीक है। तो हमारे पास प्लेस वैल्यू जाती है 5 की,
कहाँ तक जाएंगे, 1000 तक जाएंगे। तो 5000 यहाँ पे आ जाएगा, 5, ठीक है बेटा। अब है हमारे पास 800, तो 100 की प्लेस पे क्या आएगा, 8। अब है 40, 40 कैसे लिखते हैं, 40 का मतलब होता है 4040, ठीक है। सो यू हैव टू राइट हियर 40, 4040, ठीक है। अब हमारे पास है, दोबारा इसको देखें कि हमने प्लेस वैल्यू कहाँ से दी, 5840। तो हमारे पास जो 40 है, हम लोगों ने यहाँ पे इसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग दिया, 1, 10, 100 and 1000। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है 64033। सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पे 64000 है, यहाँ पे 4000 नहीं है, ठीक है ना। दिस इज अनदर डिजिट 64000, दिस इज नॉट अ 4000, दिस इज 64033। हमारे पास 33, फिर हमारे पास हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू हमने कहाँ से स्टार्ट की, हमने प्लेस वैल्यू यहाँ से देनी स्टार्ट की कि हमारे पास 1, 10, 100, 1000, 10000 है, ठीक है, 10000 है। और हमने यहाँ से इसके प्लेस वैल्यू देने स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू कहाँ तक लिखनी है, 1000 तक लिखनी है या 10000 तक लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे 64000, तो हम इस प्लेस वैल्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ हम लेंगे 64, मैंने आपको हमेशा 1000 and 10000 कंबाइन पढ़ते हैं, बताया कि 1000 and 10000 कंबाइन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर है एंड 33, तो आपके पास वंस और टेंस आ गए, ठीक है, 33 तो आपके पास वंस और टेंस आ गए, और आपके पास यहाँ पे 100 कुछ भी नहीं है, 100 में कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 0, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू पे था। यहाँ पे हमारे पास है 64000 and 30, फॉर एग्जाम्पल मैं 64000 को मैं यहाँ लिखती हूँ कि ये, अब आपको मैं लिखती हूँ कि ये इन्होंने प्लेस वैल्यू नहीं दी, यहाँ पे ये देखिए 64 और 30, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, ये देखें दिस इज टोटली रॉन्ग, ये आ जाएगा आपके पास 6433, ये तो 64000 नहीं हुआ ना, ये तो 64000 नहीं हुआ, 64000 तो इसी बेस पे होगा कि हमारे पास 100 में कुछ नहीं है, ठीक है भैया। ये हमारे पास है 64033। अच्छा, अब हमारे पास, हमने ये दो नंबर्स को, दो क्वेश्चंस को हम लोगों ने इनवर्ड्स में कहा है, ये है पार्ट सी, ठीक है, दिस इज़ योर पार्ट नंबर सी, इट वाज ए बी एंड दिस इज़ योर पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी के लिए भी आपने पहले प्लेस वैल्यू चेक करनी है कि प्लेस वैल्यू आपने स्टार्ट कहाँ से करनी है। अब आपके पास क्वेश्चन है 32,308, तो आपने प्लेस वैल्यू को चेक करने के लिए आपने ये करना है कि यहाँ से आप इसको देंगे, ये 32,000 की प्लेस तो ये है ना, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 32, ठीक है, ये तो 10,000 में हो गया है ना, 32,000। अब आपके पास है, पहले आपने प्लेस वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी, आपने उसको प्लेस वैल्यू दी है, ताकि ये प्लेस वैल्यू हम साथ, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा कि आप जब प्लेस वैल्यू देंगे ना, तब आप हर डिजिट को उसकी करेक्ट प्लेस पे लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप 2 जो है वो 100 में लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप 3 जो है वो 10s में लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप 1s जो है वो आप जो है 2 पे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 32,000 लिखा, यहाँ पे आप लिखेंगे 308, ये 8 तो इधर आ गया, पहले तो आपके पास 100 की प्लेस वैल्यू में कुछ नहीं था ना, अब यहाँ पे आपके पास 10s की प्लेस वैल्यू में कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये 300 का है, 38 तो नहीं कहा ना कि मैं यहाँ पे 1s और 10s में 38 लिख देती, ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको 300 का है, तो 300 की प्लेस वैल्यू में मैंने 3 लिखा, एंड 8 का मतलब है ये 1s है, एंड 8, एंड 88 होता तो फिर मैं 10s में भी लिख लेती, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 है, तो इट्स मीन दिस इज़ अ सिंगल,
सिंगल नंबर हमेशा वंस में होता है और यहाँ टेंस की प्लेस वैल्यू में कुछ भी नहीं है, देन आई हैव रिटन जीरो। ठीक है, अच्छा अब आपके पास है 41,999। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे 41,000 वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड। आपने प्लेस वैल्यू कहाँ तक देनी है, 10,000 तक देनी है। ठीक है, 10,000 तक आपने दी और आपने यहाँ पे लिखा है 41,999। ठीक है बेटा, ये आप इसको गौर से देखें। जब हम लोग यहाँ पे ना, अक्सर बच्चे जो है ना, इस नंबर्स को जब हम डिजिट्स फॉर्म में लिखना होता है, जब न्यूमरल्स की फॉर्म में लिखना होता है, देन दे कैन अलॉट मिस्टेक, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। क्यों मिस्टेक्स करते हैं, वो इस वजह से कि उन वो प्लेस वैल्यू को उनकी प्रॉपर प्लेस पे नहीं लिखते, और उनके डिजिट्स को प्लेस वैल्यू पे नहीं लिखते, प्रॉपर तरीके से नहीं लिखते। अब 41,000 अगर यहाँ पे ये 1,000 होता तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ 1,000 से स्टार्ट करती, यहाँ पे 99,900 है और यहाँ पे 99 है, तो मैंने क्या किया, इसको 99 किया। अब यहाँ पे जब ये प्लेस वैल्यू की बात हो रही थी ना, तो यहाँ पे आपके पास था कि 308, तो ये आप देखें, अगर आपको रीड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ पे आप देखें ये सिर्फ ये क्या लिखा हुआ है, 308। ठीक है ना, 308। जब आप जैसे बोलते हैं वैसे ही आपको लिखना पड़ता है। ठीक है बेटा, जैसे आप रीड करते हैं वैसे ही आपको राइट करना पड़ता है, इसमें खुद से इंसान कुछ भी नहीं करता। ठीक है बेटा, 32,308। इसी तरह आपके पास है 41,999। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 2,347। अब इसमें हमने ये बताना होगा कि